फातिमा हमारे पास आई थी पिछले साल, और जब फातिमा आई थी तब फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब थी। इनका वेट जो था बहुत कम हो गया था, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी थी, बहुत सीवियरली मैलनरिश थी, और इनके पेट में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था। तो वैसे तो इनकी बॉडी बिल्कुल थिन थी, लेकिन पेट बहुत निकला हुआ था। इनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बैठने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और जब हमने एग्ज़ामिन किया तो हमने रियलाइज़ किया कि इनका जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और एक ही इनके लिए ट्रीटमेंट की ऑप्शन है, वो है लिवर का बदलना। जो डायग्नोसिस है फातिमा का, उसका नाम है ऑटोइम्यून लिवर डिज़ीज़। ये बहुत रेयर डिज़ीज़ होती है। सिचुएशन में फातिमा थी ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज लिवर फेलियर बहुत एडवांस था, और हमने इनको न्यूट्रिशनली प्रिपेयर किया, जल्द से जल्द तैयारी करी, और फिर डोनर को आइडेंटिफाई किया, डोनर तैयार हुए, उनकी प्रिपरेशन हुई, असेसमेंट्स हुई, और जल्द से जल्द हमने इनका ट्रांसप्लांट किया। एक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर नीरव आपको बताएंगे। जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये थी कि फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि फैमिली के पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन चालू की, डिफरेंट सोशल मीडिया पे गए और फातिमा के लिए एक अपील जारी करी, और उस अपील के ज़रिए काफ़ी पैसे इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से फातिमा का लिवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल हुआ, सक्सेसफुली पॉसिबल हुआ। क्योंकि जब फातिमा हमारे पास आई थी तो फैमिली में कोई होप नहीं थी कि फातिमा के लिए कुछ हो पाएगा, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, इसमें लगभग 18 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। तो फैमिली के लिए 18 लाख रुपए रेज करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फातिमा के केस में बहुत लोग सामने आए, बहुत लोगों ने हेल्प करी, और उसकी बदौलत पैसे इकट्ठे हुए और लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। पिछले साल 12 जून को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था फातिमा का, और सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये घर इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, फिर दिल्ली में कुछ दिन तक रखा। उसके बाद 3 बार हमने इनको असेसमेंट के लिए बुलाया है, और अब आप देख रहे हैं क्लास में बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, पढ़ाई करती हैं, और इनको देख के आप कह नहीं सकते कि इनका कोई लिवर की प्रॉब्लम थी कभी या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। और इंशाल्लाह शी विल डू वेरी वेल इन द फ्यूचर, थिंग्स विल बी गुड, एंड शी विल ग्रो अप एंड हैव अ नॉर्मल लाइफ एंड बी एबल टू लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ एज एनीवन आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट डस। मेरा नाम फातिमा है। मेरा लिवर खराब था, मैं पहले 16 में एडमिट नहीं थी, फिर एडमिट रही, फिर उन्होंने बोला है कि लिवर ट्रांसप्लांट अगर लिवर ट्रांसप्लांट करना है आपको बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। फिर हम दिल्ली गए अपोलो, फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर पैसे नहीं थे तो मिलाप वालों ने हमारी बात की, उन्होंने मेरे नाम का एक अकाउंट खोला, उसमें लोगों ने पैसे डाले, फिर मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हो सका। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या किस तरीके से आप ठीक हो, अच्छे से हो? ठीक मैं। तो किस तरीके से शुक्र अदा करना चाहते हो जो आपकी जो मैं आपकी मदद की? मैं उनको पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऑपरेशन इज गो असो गई कॉम्बल थोड़ा खड़ा, पत योर जी पी पंत والو روٹ 15 دہ ات ام پہ ونو دم سی لور خراب ام پہ کم کم اس سوور سوزان گرا یور میڈیکل کالج ٹیسٹ کرنے اتنے ساری ٹیسٹ ہکان گھت کہین سوور والے یم سا گھن تم دن پیشنٹ گھس یہ آن اد ہو نت ہو ٹیسٹ کہین پہ کور میرے ڈاکٹرن ستھ کت دپ تھی کرو کم اس سوتو تھی سوری اس آرام یم سوزے سوور سوور رٹ لگ بھگ وہن دہن وہن دہن مز ونو دوپک پہ امس خالی لور یہ کرن ٹرانسپلانٹ امہ بغیر چھس کہین مگر اس نش یہ دت بنائت یہ اس دمس لگان 15 پہ 20 لچھ رپیہ سوور والو مگر منسا گھس نا یہ آپریشن کہین ام پہ کم اس اسلامی یم آرگنائزر یم آئے بروٹ کن یہ دس اخ لچھ رپیہ جمع کر تمہ پہ وت کٹ ٹکٹ تو وت دہلی دہلی کر دم ہسپتال والو مدد پور نیرا نفرن نمت ہاتھ رپیہ سہ ووت پہ ام سند اکاؤنٹس من تور بیس ترا مجھے 50 روپیہ ان وہن لچھن مان مگر ناؤ دیت نا کنسی تھی پٹ